उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधानसभा में प्रचंड बहुमत कायम करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश की मदद से राज्यसभा में और मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश से जुलाई में खाली हो रहे 11 राज्यसभा सदस्यों के पद के लिए चुनाव 10 जून को होगा। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य जाते हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 5, समाजवादी पार्टी के 3, बहुजन समाज पार्टी के 2 और कांग्रेस के 1 राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल खत्म होने पर यह चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस के कपिल सिब्बल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य थे। विधानसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने जोरदार टक्कर दी थी। अब राज्यसभा चुनाव में भी भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है। जिन 11 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें सबसे ज्यादा 5 भाजपा के हैं। इसके साथ 3 समाजवादी पार्टी, 2 बहुजन समाज पार्टी और 1 कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं। प्रदेश विधानसभा में 403 विधायक में भाजपा गठबंधन के पास 273 विधायक हैं। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों के विधायकों की कुल संख्या 125 बनती है। जुलाई में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की जो 11 सीटें खाली हो रही हैं उनमें से हर एक सीट के लिए कम से कम 37 विधायकों का वोट चाहिए। इस हिसाब से भाजपा गठबंधन 7 सीटों पर आसानी से अपनी जीत दर्ज कर सकता है और 3 सीटों पर सपा गठबंधन की जीत पक्की लग रही है। असल मुकाबला 11वीं सीट के लिए होना है, जिसके लिए दोनों ही गठबंधन को बाकी दलों का समर्थन चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, लखनऊ।